दोस्तों मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज तो लेकर ही आता हूँ, बट मैं आपके लिए ऐसे भी बिजनेसेस लाता हूँ जो कि एवरग्रीन होते हैं, मतलब नए नहीं होते बट वो हमेशा चलने वाले होते हैं। एवरग्रीन बिजनेस आइडियाज मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, जिसमें आज जिस बिजनेस में जो आप प्रोडक्ट बनाओगे ना उसकी डिमांड इतनी है, मतलब वो हाई डिमांडेबल भी है और हाई प्रॉफिटेबल भी है, जिसमें आप दिन का 25,000 से 30,000 का नेट प्रॉफिट इस बिजनेस में जनरेट कर सकते हो। और ये बिजनेस में जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो ना उसकी डिमांड इतनी है कि मतलब आप ऐसा समझो कि जब तक दुनिया में इंडस्ट्रीज रहेंगी, जब तक दुनिया में कंपनीज रहेंगी, जब तक दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज, जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जब तक लोग अपना प्रोडक्ट पैक करते रहेंगे ना, तब तक आपका जो बिजनेस अगर आप शुरू करोगे ना वो चलने वाला है। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में इतनी डिमांड है कि सप्लाई करने वाले चाहिए, प्रोडक्ट बनाने वाले चाहिए, सप्लाई करने वाले चाहिए। तो ये बिजनेस आप आपके शहर में शुरू करके एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, एक अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर सकते हो। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपने जो आई वॉच पर व्हाइट बेल्ट लगाया, व्हाइट स्ट्रैप लगाया, वो आपने कहाँ से लिया? तो दोस्तों मैंने उसे व्यू प्रोडक्ट में टैग किया हुआ है, तो आप वहां से खरीद कर अपने आई वॉच में लगाकर हाथ में पहन सकते हो। तो इसी बिजनेस की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ गुजरात के अहमदाबाद शहर में क्रेडिबल इंडस्ट्री के ओनर से मिलने, जहाँ पर सर हमें बताएंगे पूरी जानकारी ये बिजनेस के बारे में। तो हेलो सर। हाय, हेलो। इस बिजनेस में आप जो प्रोडक्ट बनाओगे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। पिछले 10 साल से हमने इस इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को मशीन लगा के दिए, नया स्टार्टअप करके दिया है, लोगों को हेल्प किया हुआ है। इस इंडस्ट्रीज में काफ़ी तरह से ग्रोथ है और प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो आप कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट की इतनी मार्केट में इतनी डिमांड है कि जो भी है कस्टमर से एक मशीन लेने के बाद भी हर आने वाले समय में, हर 6 महीने में, साल भर के अंदर वो दूसरी के बाद तीसरी मशीन भी हमें ऑर्डर किए हुए। काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप पर डे के हिसाब से अगर जो मशीन हमने आपको बताई है उस मशीन के हिसाब से अगर आप जाओगे तो पर डे आप 25,000 से 30,000 का अर्निंग कर सकते हैं। तो आगे सर बताएंगे ये जो हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो आपको कैसे शुरू करना है, जो एवरग्रीन बिजनेस है कैसे आपको शुरू करना है, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, प्रॉफिट क्या रहेगा, मार्केटिंग कैसे करना है, बना तो लेंगे सब लोग बेचेंगे कैसे, उसकी भी सर डिटेल जानकारी देंगे, और ये मार्केट कितना बड़ा है उसका भी सर हमें पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो वीडियो में आप 1-1 सेकंड तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे कोई भी पॉइंट इस बिजनेस के बारे में मिस ना हो जाए। और ऐसे अलग अलग वीडियोस मेरे चैनल के थ्रू लेकर आता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरी मेहनत के लिए और सर की मेहनत। जो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल लगता है, ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेन मटेरियल है पेपर कोर, जो इस तरह का रहेगा। ठीक है, सबसे पहले ये कोर आपको लेनी पड़ेगी रॉ मटेरियल्स के अंदर। तो सर ये कितने रुपए किलो मिलता है ये रॉ मटेरियल? सर ये देखो मार्केट के अनुसार अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन भी होता है, लेकिन 45 पर केजी से स्टार्ट होता है, 1-2 रुपए प्लस माइनस रहता है, हर मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये जो पेपर कोर आते हैं, जो उसकी जो लेंथ होती है वो 1-1 मीटर के आते हैं, रेगुलरली स्टैंडर्ड हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे। बाइंडिंग हमारे इस प्रोडक्ट के लिए सबसे मेन है BOPP सेल्फ एडहेसिव रोल का मटेरियल, जो इस तरह इस फॉर्म में जम्बो रोल है, ये बड़ा जम्बो रोल है, ये आपको हर जगह अवेलेबल है, इसके सप्लायर्स आपको हर जगह अवेलेबल रहेंगे। इसके बाद जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाने के बाद आपको पैकेजिंग करना पड़ता है। पैकेजिंग के लिए आपको इस तरह से PVC स्ट्रिंग फिल्म लेना रहेगा। ठीक है, PVC स्ट्रिंग फिल्म अलग अलग साइज़ में अलग अलग हिसाब से आएगा। इस तरह का ये प्रोडक्ट है, ये PVC स्ट्रिंग फिल्म, ये ट्यूब फॉर्म में आएगा। इसमें आप 6 पीस रखो और उसके साथ आप उसको आसानी से पैक कर सकते हो। सो इस बिजनेस में ये प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये प्रोसेस है, सबसे पहले आपको कोर कटिंग करने का प्रोसेस करना रहता है। तो उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कोर जो पेपर कोर कटिंग है अलग अलग साइज में कैसे प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये कोर आप देख सकते हैं, कोर इस तरह से हम लोग अलग अलग साइज में कटिंग करेंगे। जिस तरह आप देख रहे हो ये कटिंग हो रहा है, अभी हम लोग इसमें 2 इंची का कोर कटिंग कर रहे हैं अलग अलग सर। ये जो मशीन है ये पूरा ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक कोर कटिंग मशीन बोलते हैं इसको, और अलग अलग साइज के साथ सेटअप उसमें दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आपका ये पूरा डिटेल्स है, ये कोर कटिंग मशीन है। आप देखिएगा, देखिए इस तरह से पूरा कोर एक एक करके आप अपना ये सो मार्केट से आपको कोर लाएंगे तो इस हिसाब से पूरा कोर कटिंग होगा। आप पूरा प्रोसेस एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो आपका जैसे देखो, जैसे आपका जितना भी ऑर्डर्स के हिसाब से जितना पीस बनाना है वो पीस इस हिसाब से आप अलग अलग साइज में कट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको पूरा साइज कट करना है। तो आपने देखा अभी कि जैसे हमने एक कैसा कोर लिया और उस कोर के हिसाब कोर में से हमने अलग अलग साइज के हिसाब से 2-2 इंची का अलग अलग साइज के हिसाब से हमने कोर कटिंग कर दिए। जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है, जो हमने कोर हमने कट किए थे वो कोर हमने एक कोर लोडर प्रोसेस में अलग अलग हिसाब से डाल दिए। तो आपने देखा कि नेक्स्ट प्रोसेस में ये हमारा जो कोर लोडर है इसमें हमने सारे कोर डाल दिए एक ही साइज के, और इस हिसाब से देखो यहाँ पे इस हिसाब से मोल्ड के हिसाब से ये अपने अपने हिसाब से पूरा सेटअप हो गया, ऑटोमेटिकली पूरा ये सेटअप हो गया। आपने ये देखा, ये पूरा सेटअप इस हिसाब से हो गया, 2-2 इंची का सेटअप हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा शाफ्ट है,
ठीक है। इसमें क्या है, इसका प्रोसेस है ऑटोमेटिक कोर लोडिंग करना। ये देखिए, ये कोर मैन्युअली नहीं जाएगा, तो ये क्या है, ये हमारा ऑटो कोर लोडर के प्रोसेस के तहत ये अंदर से लोड होगा। अब आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं। तो हम लोग क्या है, ये ऑटो कोर लोडर का स्टैंड है, तो यहाँ पे हम ये रिवाइंडिंग शाफ्ट यहाँ पे रखेंगे, इस हिसाब से रखेंगे। सबसे पहले कि ये ऐसे पूरा बंद करने का प्रोसेस करना है, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा स्टार्ट होगा और ये हमारा रिवाइंडिंग शाफ्टिंग उसी तहत अंदर पूरा जाएगा, जिसमें हमारा कोल लोडिंग का प्रोसेस होगा। तो अभी आपने ये देखा कि हमारी जो रिवाइंडिंग शाफ्टिंग में ये ऑटोमेटिकली पूरे कोर लोड हो चुके हैं। तो अभी देखो, आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा 2 इंची के कोर प्रॉपरली सेट हो चुके हैं इस रिवाइंडिंग शाफ्टिंग के अंदर। तो अभी हम ये देखेंगे कि हमारा ये रिवाइंडिंग शाफ्टिंग यहाँ से हम उठा के हमारा जो मेन मशीन है, मेन स्लिटिंग मशीन है, उसमें हम लोग सेटअप करेंगे। तो अभी आपने देखा कि जैसे कि हमने कोल लोडर मशीन में से जो शाफ्टिंग हमने लोड की है, अब हम लोग ये मेन मशीन जो है उसके बारे में ये पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। एक बार आप यहाँ पे आके पूरा प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारा ये मेन मशीन है, ये मेन मशीन में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन हमारा जंबो रोल्स है, BOPP सेल्फ एडहेसिव रोल है, ये रोल इस तरह से रोल आएगा। तो सबसे पहले ये जंबो हमें यहाँ लगाना रहता है, यहाँ से हमारा ये पासिंग होता है, यहाँ पे आवाज़ कम करने का अलाइनमेंट भी इसमें लगा है, यहाँ से इस तरह से पासिंग होगा। पासिंग होने के बाद वहाँ सामने से पूरा रिवाइंडिंग होगा अलग अलग साइज के अनुसार, और उसके बाद ये हमारा ऑटोमेटिकली ये पूरा प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो कोर है, ये इस तरह से ये खाली हमारा कोर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे हमारा ये टैप रेडी हो रहा है, इसके ऊपर हमारा BOPP टैप रिवाइंड हो रहा है, और ऐसे हमारा ये टैप ऐसे रिवाइंड करते जाएगा, उसी हिसाब से हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। कट। तो अभी देखो, हम मशीन स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये पूरा एक मशीन देख सकते हैं उस हिसाब से। अभी आपने देखा कि ये जैसे टैप दोनों की रिवाइंडिंग हो गई है, दोनों में ये BOPP टैप अपना बन चुका है, रिवाइंडिंग के साथ में 65 मीटर का टैप आपका ये बन चुका है, ठीक है। पहला ये शाफ्ट है, दूसरा ये शाफ्ट है, अभी ये दो शाफ्ट में बनने के बाद ये ऑटोमेटिकली रोटेशन होगा। तो अभी आपने देखा कि दोनों रिवाइंडिंग शाफ्टिंग में हमारा टैप बन चुका है, इसके बाद हम ब्लेड से ये कटिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको निकालने की प्रोसेस आपको बताएंगे, जो यहाँ से उठा के हमें हमारे ऑटो कोल लोडर प्रोसेस में रखना है। ये सेलो टेप अभी अंदर है हमारा, अब इसको हम लोग अलग करेंगे। हमने मशीन में से हमारा ये शाफ्टिंग, रिवाइंडिंग शाफ्टिंग निकालेंगे, ठीक है। अब ये शाफ्टिंग हमारा निकालने के बाद देखो, हमने एक ऑटोमेटिक कोल लोडर जो प्रोसेस है उसमें हमने ये रख दिया, अब यहां से ये अपना सिंगल सिंगल पूरा टेप एक साथ निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। और उसी वक्त देखिए कि ये जैसे आपका ये रेडी जो मटेरियल है 65 मीटर का जो BOPP टेप, ये निकलने के टाइम एट अ टाइम आपका ऑटोमेटिकली कोर भी लोड हो जाएगा एज पर साइज। तो देख सकते हैं अभी ये ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होगा। यहाँ पे हम लॉक करेंगे, ठीक है। अभी जो हमारा ये अंदर रिवाइंडिंग शाफ्टिंग था, ये ऑटोमेटिकली अंदर चला गया है और हमें हमारा ये रेडी मटेरियल पूरा मिल चुका है। हमारा ये BOPP टैप का जो प्रोडक्ट है, सेलो टैप का प्रोडक्ट है, ये हमारा रेडी हो चुका है। अभी देखो, ये शाफ्ट हमारा पूरी तरह अंदर चला गया है, आपने देखा। अभी आप देखोगे कि इसमें ऑटोमेटिकली कोर लोड हो चुका होगा। अब ये देखिए, ये ओपन किया, आप देख लीजिए, इस हिसाब से ये पूरा कोर 2 इंची का कोर है, पूरा लोड हो चुका है ऑटोमेटिकली। और इसके बाद अब ये वापस हमारा कोर लोड हो जाने के बाद ये शाफ्टिंग, हम रिवाइंडिंग शाफ्टिंग यहाँ से हम उठाएंगे और हमारा ये प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ये प्रोसेस पूरी तरह से कंटिन्यूस चलता रहेगा। फिट होने के बाद यहाँ पे हमारा प्रोसेस होगा, BOPP टैप बनेगा। BOPP टैप बनने के बाद फिर से वही शाफ्ट को हम लोग कोर लोडिंग मशीन में
डालेंगे, फिर वही हमारा शाफ्ट से बने हुए टेप को हम लोग सेपरेट करेंगे। ये हमारा सेलो टेप रेडी हो चुका है मार्केट में सेल करने के लिए। और इसी तरह से हमें ये छः छः का बंडल बना के उसके बाद हमें ये बॉक्स के अंदर इस तरह से पूरा सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पूरा एक बॉक्स रेडी हो गया, इसी हिसाब से पूरा कंप्लीट एक बॉक्स रेडी हो गया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में और बड़े बड़े जो होलसेलर और जो डीलर हैं इस तरह से पूरे बॉक्स में सप्लाई करते हैं, बॉक्स का ही डील होता है। कोई भी हमारे पास से टैप इंडस्ट्री में इस तरह से सिंगल सिंगल पीस नहीं मांगता है, पूरा का पूरा बॉक्स ही देना पड़ता है 72 पीस का। तो सर अभी हम लोग कौन से टाइप के सेलो टेप या फिर BOPP टेप बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट से? सर देखो, ये तो अभी हमने बनाया है BOPP टेप्स बनाया है, ठीक है। जैसा कि आपने पूरा प्रोसेस पूरा देख लिया, आपने बनाया है, ये तो मार्केट का बहुत बड़ा किंग है। ये कई कलर की टेप्स आती है, ठीक है। रेड कलर का बना सकते हैं, ग्रीन कलर का बना सकते हैं, ब्लू कलर का भी बना सकते हैं। ये ग्रीन कलर का उसमें सारे बन जाएंगे इजीली। ये जो ट्रांसपेरेंट है ये सबसे ज़्यादा चलता है इस मार्केट में। तो अभी हमने ये जो बनाया है BOPP टेप, ये तो हमारा स्टैंडर्ड साइज है 2 इंची का। बट आप इसी मशीन से आप 1/2 इंची, 1/4 इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, सारे अलग अलग साइज में आप टेप बना सकते हो वेरी इजीली। देखो BOPP टेप के अलावा हमारे पास और भी कई रेंजेस हैं, जैसे हमारे पास PVC इलेक्ट्रिकल टेप है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल टेप है, इसका यूज होता है। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े पैमाने में यूज होता है, जहाँ भी वायरिंग होता है, ठीक है, जहाँ भी इलेक्ट्रिशियन का काम होता है वहाँ ये यूज होता है। इसमें अलग अलग कलर्स आते हैं, रेड है, येलो है, ब्लैक है, सारे बना सकते हैं ना इसमें। हाँ, एक ही मशीन में सब कुछ सेटअप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अलावा भी देखो मास्किंग टेप में भी हमारे पास दोनों मशीन अवेलेबल रहेगी। ये मास्किंग एब्रो टेप बोलते हैं, मास्किंग टेप भी बोलते हैं। एब्रो क्या होता है सर? मास्किंग टेप, एब्रो टेप कहाँ यूज होता है? ये पेंटिंग डिपार्टमेंट में बहुत बड़े पैमाने पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होता है। और इसके साथ साथ में ये है ना हमारे फर्नीचर उद्योग में भी बहुत बड़े पैमाने में सबसे मेन उसका यूज है फर्नीचर उद्योग में। इसी लाइन में हमारे पास ये भी है, ये है फ्लोर मार्किंग टेप। फ्लोर मार्किंग टेप बोलते हैं इसे। और ये टेप का इस्तेमाल जो होता है हर तरह की हॉस्पिटल्स में और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जहां पे भी काम चालू है, रोड लाइंस है, हाईवेज है। तो सर अगर किसी इंडस्ट्री को, किसी कंपनी को अपने खुद के नाम के सेलो टेप बना के चाहिए, जैसे स्विगी जोमेटो का भी खुद का सेलो टेप होता है, राइट, खुद के ब्रांड का पूरा उस पर प्रिंटेड रहता है सेलो टेप। हाँ। तो अगर ऐसा कोई डिमांड आती है तो वो भी हम लोग इस मशीन के थ्रू या फिर इस प्रोजेक्ट के थ्रू कंप्लीट करवा सकते हैं। अगर किसी कस्टमर को प्रिंटेड वाला टेप लेना है तो उसके लिए अलग से प्रिंटिंग मशीन लेना पड़ता है और उससे द्वारा ये प्रिंट वाला रोल बन जाएगा। वो बनाकर आप अपने कस्टमर को प्रिंट वाला टेप आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद हमारा है ये सरफेस प्रोटेक्शन फिल्म टेप्स है। ये सरफेस प्रोटेक्शन फिल्म टेप्स है। ये टेप्स भी काफ़ी यूज़ होता है, पैकेजिंग्स में ही यूज़ होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिकल जो भी आइटम्स बनते हैं उसमें चिपचिपा नहीं रहता है वो। हाँ, वो ज़्यादा उसमें बहुत मतलब ज़्यादा एडेसिव नहीं होता है। तो हर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनता है वहाँ पे उसको पैकेजिंग के लिए ये सरफेस प्रोटेक्शन फिल्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सर ये सेलो टेप बिजनेस में कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी और कितनी जगह लगेगी ये बिजनेस शुरू करने के लिए? देखो जैसे कि ये यूनिट मैंने जो अभी आपको बताया, इस यूनिट के लिए मिनिमम आपको 10 हॉर्स पावर का पावर कंजप्शन चाहिए और आपको जगह उसमें 15x20 का जगह चलेगा। 15x15 फीट चौड़ाई होगी और 20 फीट की लंबाई होगी। 15x20 का जगह चाहिए। और लाइसेंस कुछ लगेगा बिजनेस शुरू करने? नहीं, लाइसेंस तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन जो नॉर्मली गवर्नमेंट के हिसाब से आपको GST सर्टिफिकेट लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं। और सर मेन बात है कि बना तो लेंगे, हाँ, बेचेंगे कैसे, कहाँ कहाँ बेच सकते हैं हम लोग, ये समझो मार्केटिंग कैसे करना है, ऑर्डर्स कैसे आएंगे वो जरा बताइए। देखो मार्केट इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री कुछ भी प्रोडक्ट बना रही है बिना पैकेजिंग के वो बाहर नहीं सेल कर सकती। तो पैकेजिंग तो मस्ट कंपलसरी है और पैकेजिंग का BOPP टैप के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और इसका लाइफ लंबा है, ये स्ट्रेंथ वाइज मजबूत है। तो BOPP टैप का जो प्रोडक्ट है वो हर तरह की इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो ऐसा है कि हर तरह की इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट यूज होता है। आप हर तरह की इंडस्ट्री में आप अपने अपने जो सैंपल्स बन रहे हैं हमारी मशीनों में से जो सैंपल्स बन रहे हैं आप सैंपल लेके जाइए, उनको रेट दीजिए, क्वालिटी प्रोवाइड कीजिए, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए। क्वालिटी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली आपको वो सैंपल के हिसाब से ऑर्डर मिलेंगे। और तो इस हिसाब से आपका ये क्या है, एक बार आपका क्लाइंट जुड़ता है तो वो क्लाइंट आपके पास रहेगा, तो आपका बिजनेस 2 या 3 कंपनी भी बड़ी बड़ी कंपनी अगर आप कैच कर रहे हो, पकड़ रहे हो, तो आपका ये बिजनेस बिल्कुल रन होगा। अब सर मेन बात है प्रॉफिट की। इसमें जो प्रॉफिट कैलकुलेशन का जो पूरा काउंटिंग है जो वो पूरा बॉक्स के हिसाब से ही प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है। एक बॉक्स में 72 पीस जाते हैं।
तो सर अभी जैसे कोई एक बॉक्स बना लेता है इस तरह का 72 पीस का, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितना आता है? देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिपेंड करता है कि मार्केट का रॉ मटेरियल क्या रेट पे आ रहा है और क्या रेट पे मार्केट करंट मार्केट किस हिसाब से सेल कर रहा है। तो अभी के जैसे करंट मार्केट के हिसाब से पर बॉक्स के ऊपर आप 250 से 350 तक आप आराम से मार्जिन ले सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। 250 से लेके 350 तक आप प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। देखो ये तो है कि मैंने आपको बताया कि पर डे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उस हिसाब से हमारा ये मशीन है 90 to 100 बॉक्स, 90 से 100 बॉक्स का प्रोडक्शन करता है, तो इस हिसाब से ये प्रॉफिट कैलकुलेशन हो सकता है। इसमें आप देखने जाओगे तो पर डे आपको अगर आप एक बॉक्स पे 250 से 300 350 तक प्रॉफिट मार्जिन रखोगे तो आपका पर डे 25,000 तक 30,000 तक प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। तो सर इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा बिजनेस शुरू करने के लिए? ये तो हमारा ऑटोमेटिक प्लांट हुआ, लेकिन जो इस इंडस्ट्री में नए तरीके से आना चाहते हैं और नए तरीके से काम करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक मॉडल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा ये सेमी ऑटोमेटिक मॉडल है, 1.5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। ये वेरी सिंपल मशीन है, हर कोई स्टार्ट कर सकता है नया बिजनेस करने में, सबको ये सपोर्ट कर सकता है। तो सबसे पहली प्रोसेस हमारा कोर कटिंग करना है, हमारे जो भी साइज का ऑर्डर है उस हिसाब से हमें कोर कटिंग करना है। तो एक बार आप देख लीजिए कोर कटिंग हो रहा है, अभी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कोर कटिंग कर लिए हैं, जो भी साइज का हमारा ऑर्डर है उस हिसाब से कोर कटिंग। अभी यहाँ से ये कोर हमारा इस तरह से मशीन में हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कोर ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है। आपको ये पूरा प्रोसेस, ये छोटी मशीन है, ये सेमी ऑटोमेटिक मॉडल है, जो भी स्टार्ट करते हैं जो भी नया काम करते हैं उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है। और इसके बाद ये मशीन चालू करके आपको टैप बनाना है, इसमें 2 इंची का ये 6 टैप बन चुका है, 1 टाइम में 6 टैप बनता है। तो आपने देखा कि हमारा ब्राउन कलर का टैप रेडी हो चुका है, ये भी पैकेजिंग में ब्राउन कलर का टैप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बॉक्स पैकेजिंग के लिए, कोई भी इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये हमारा प्रोडक्ट रेडी हो चुका है ब्राउन वाला टैप का। ये है कि ये मशीन आपका पर डे आपको 20 से 25 बॉक्स बना के देता है, सभी साइज का टैप बना के देगा। हाँ, इसमें प्रोडक्शन 20 से 25 बॉक्स होता है, जिनको कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना है वो तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। ये पूरा ऑटोमेटिक प्लांट था जिसमें आपका 910 लाख रुपए के अंदर ये मशीनरी आ जाती है, बाकी का रॉ मटेरियल रहता है, रॉ मटेरियल का भी हमारा सप्लाइंग है, मशीनरी के साथ में हम रॉ मटेरियल्स भी आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे। 15 लाख रुपए के अंदर आप ऑटोमेटिक BOPP प्लांट शुरू कर सकते हैं विथ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल के साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये सेलो टेप बनाने का, BOPP टेप बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो सर के कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कांटेक्ट करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।